दोस्तों आज भारत और श्रीलंका के बीच पहला ओडीआई मुकाबला खेला गया था और यहाँ पर ये मुकाबला टाई हो गया था। भारतीय टीम को जब एक रन चाहिए था और दो विकेट हाथ में थे तब दोनों विकेट लगातार दो बॉल ओवर हो गए थे, मुकाबला टाई हो गया था। हालांकि मुकाबला टाई होने के बाद सुपर ओवर नहीं हुआ था। लोगों के सवाल थे कि आखिर किस वजह से आज सुपर ओवर नहीं हुआ है, तो मैं इस वीडियो में आपको इसके पीछे का रीजन बताऊंगा, आपको बताऊंगा कि आखिर मुकाबला टाई होने के बाद भी आज सुपर ओवर क्यों नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आप क्रिकेट से जुड़ी कोई भी खबर कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो कुल मिलाकर आईसीसी का नियम कि ओडीआई में केवल यहां पर मल्टीनेशन टूर्नामेंट में ही यहां पर सुपर ओवर होंगे। कुल मिलाकर फॉर एग्जांपल यहां पर अगर कोई आईसीसी का टूर्नामेंट हो या फिर दो से अधिक अगर टीमें हो तो ही यहां पर सुपर ओवर होगा। अगर यहां पर ये ओडीआई वर्ल्ड कप होता या फिर अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी होती या फिर अगर ये एशिया कप होता तो यहां पर सुपर ओवर होता। अगर 50 ओवर के फॉर्मेट में भी मुकाबला होता और दोनों टीमों का अगर स्कोर बराबर होता मुकाबला टाई होता तो सुपर ओवर होता। लेकिन दो टीमों की सीरीज में कभी भी सुपर ओवर नहीं होगा, ये आईसीसी का नियम है। तो दो टीमों के बीच जब भी मुकाबला टाई होगा वो टाई के लिए सुपर ओवर नहीं होगा और दो से अधिक टीमें जब भी रहेगी आईसीसी का टूर्नामेंट रहेगा मल्टीनेशन टूर्नामेंट रहेगा तो वहां पर सुपर ओवर होगा। आप कमेंट करके बताइए आपको इस नियम के बारे में पहले पता था या फिर नहीं।